प्रियंका हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड। निमृत प्रियंका, अर्चना, शालिन और इंसिस्टेंट को करण जौहर ने डाला स्पॉटलाइट में। कंटेस्टेंट ने किया करण के सवालों का सामना। जी हां, टेलीविजन के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 16 के घर बीते रात करण जौहर ने निमृत प्रियंका, अर्चना, शालिन और इंसिस्टेंट को स्पॉटलाइट में डालते हुए उनसे कुछ सवाल किए, जिसके जवाब कंटेस्टेंट ऑनेस्टी के साथ देते नजर आए। जी हां, दरअसल करण जौहर ने जहां प्रियंका से निमृत को लेकर सवाल किया, तो वही निमृत को प्रियंका को लेकर सवाल करते नजर आए। लेकिन अर्चना, शालीन और इंसिस्टेंट से उन्होंने घर वालों को लेकर सवाल किए, जहां पर करण ने निमृत से ये सवाल किया कि आखिर वो प्रियंका को सच्चाई, अदब, जुबान, स्टाइलिश और वफादारी में कितना देंगी। जिस दौरान निमृत ने प्रियंका को सच्चाई में 2, अदब में 2, जुबान में 2, स्टाइलिश में 4 और वफादारी में 3 दिया, तो वही निमृत ने करण जौहर के सवाल पर उन्होंने बताया कि आखिर क्यों प्रियंका विनर बनना डिजर्व नहीं करती। बताया कि किस तरह प्रियंका सेल्फ ऑब्सेस्ड है, वो खुद के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती और बहुत ही ज्यादा एरोगेंस है। तो वही शालिन ने करण के सवालों का जवाब देते हुए दरिया दिल निमृत को वैम, अर्चना को शिव को बुली बताया, जबकि अर्चना ने गद्दार वाला टैग शालीन को दिया। प्रियंका को खलनायक बोल वचन शिव को और बताया कि आखिर क्या है घर वालों की गलतफहमी। जबकि इंसिस्टेंट ने प्रियंका के फेस को लेकर, उनकी स्माइल को लेकर तारीफ करते हुए ये भी बताया कि आखिर वो म्यूजिक वीडियो में किसे कास्ट करेंगे और किसे नहीं, और किसके बर्थडे पर वो फ्री परफॉर्मेंस करेंगे, जिसके कारण निमृत, प्रियंका, अर्चना, शालीन और इंसिस्टेंट करण जौहर के स्पॉटलाइट में नजर आए, वो भी बेबाक उनके सवालों का जवाब देते हुए। इस वीडियो को लेकर आपका क्या रिएक्शन है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बिग बॉस 16 से जुड़ी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट एंड गॉसिप के लिए हमारे चैनल पर नजर रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।